प्रो कबड्डी सीजन 8 का एलिमिनेटर एक यूपी ओदा वर्सेस पुनेडी पल्टन के बीच में खेला जाएगा। सीजन 8 का प्लेऑफ का यह पहला मैच रहने वाला है एंड जो भी टीम मैच जीतेगी वो यहां पे सेमीफाइनल 1 में एंटर कर जाएगी एंड पटना पायरेट्स के खिलाफ भिड़ने वाली है एंड जो भी टीम मैच हारेगी वो यहां पे प्रो कबड्डी से बाहर हो जाने वाली है। एंड इस मैच में दोनों टीम्स का स्टार्टिंग 7 रह सकते हैं। दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 का बताने वाला हूं, दोनों टीम्स के हैट्रिक रिकॉर्ड, दोनों टीम्स को एनालाइज करने वाला है एंड मैं अपने 3 से 4 प्रेडिक्शन करने वाला हूं कि क्या प्रेडिक्शन रह सकते इस मैच में। तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मेन्यू पे नजर डाल लेते हैं। मेन्यू पूरी तरह बदल चुका है बिकॉज बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है एंड यहाँ पे हमने एक नया सेक्शन ऐड किया जहाँ पे हम कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर करने वाले। सबसे पहले यहाँ पे आप मेन्यू देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 के बारे में बात करेंगे। देन दोस्तों यहाँ पे हम दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की तरफ नजर डालेंगे कि आखिर हेड टू हेड में कौन से टीम का पलड़ा भारी है। देन दोस्तों यहाँ पे हम दोनों टीम्स को एनालाइज करने वाले एंड यहाँ पे हम फिर कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट करेंगे यानी कि प्लेयर्स बैटल पर नजर डालेंगे आखिर कौन से प्लेयर्स के बीच में हमें इस मैच में बैटल देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली एंड में प्रेडिक्शन करेंगे। मैं अपने 3 प्रेडिक्शन करने वाला हूँ कि इस मैच के रिगार्डिंग मेरे क्या प्रेडिक्शन रह सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी योद्धा की। तो गाइस यहां पे यूपी योद्धा के स्टार्टिंग 7 देखने को मिल जाएंगे। प्रदीप नरवाल, आशु सिंह, शुभम कुमार, श्रीकांत यादव, सुरेंद्र गिल, नितेश कुमार एंड सुमित, ये यूपी योद्धा की मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में स्टार्टिंग 7 रह सकते हैं जहां पे हमें 3 मेन रेडर्स देखने को मिल रहे हैं, प्रदीप नरवाल, श्रीकांत यादव एंड सुरेंद्र गिल। एंड कवर्स में हमें देखने को मिल जाएंगे आशु सिंह एंड शुभम कुमार एंड कॉर्नर्स पे देखने को मिल जाएंगे नितेश कुमार एंड सुमित। तो मेरे अकॉर्डिंग ये यूपी योद्धा की स्टार्टिंग 7 रह सकती है, कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं पुनेडी पल्टन की। तो गाइस हमें पुनेडी पल्टन के स्टार्टिंग 7 देखने को मिल जाएंगे। मोहित गोयत, अभिनेश नदराजन, संकेत सावंत, असलम इनामदार, नितिन तोमर, सोमवीर एंड विशाल भारद्वाज, ये पुनेडी पल्टन की मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में स्टार्टिंग 7 रह सकते हैं जहां पे 3 रेडर्स है, मोहित गोयत, असलम इनामदार एंड नितिन तोमर। एंड कवर्स हमें देखने को मिल जाएंगे अभिनेश नदराजन एंड संकेत सावंत एंड कॉर्नर्स पे देखने को मिल जाएंगे सोमवीर एंड विशाल भारद्वाज। सो गाइस मेरे अकॉर्डिंग पुनेडी पल्टन की इस मैच में ये स्टार्टिंग 7 रह सकती है। अब दूसरा वे बढ़ते अपने हेड टू हेड राउंड की तरफ यानी कि हेड टू हेड में कौन से टीम का पलड़ा भारी है। तो गाइस यहाँ पे यूपी होता है एंड पुनेडी पल्टन के बीच में अब तक पीकेएल हिस्ट्री में टोटल 7 बार मैचेस हो चुके हैं जहाँ पे यूपी होता है की टीम 3 बार जीती है एंड वहीं पे पुनेडी पल्टन की टीम 4 बार जीती है। तो देखा जाए तो हेड टू हेड में पुनेडी पल्टन का पलड़ा भारी है, लेकिन यहाँ पे बात की जाए इस सीजन की तो जब दोनों टीम्स के बीच में पहली बार मैच हुआ था लीग स्टेजेस में तो यहाँ पे यूपी होता की टीम 10 पॉइंट से जीती थी एंड जब दूसरी बार मुकाबला हुआ था दोनों टीम्स के बीच में तब यहाँ पे पुणे की टीम 6 पॉइंट से जीती थी। तो हेड टू हेड इस सीजन का बराबर चल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पुणे का पलड़ा भारी है। अब दूसरा दोनों टीम्स को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी योद्धा की। तो गाइस यहां पे जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले यूपी योद्धा का स्टार्टिंग 7 बताया एंड यहां पे यूपी योद्धा की स्टार्टिंग 7 बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिल रही है जहां पे रेडिंग डिपार्टमेंट में प्रदीप नरवाल चल रहे हैं, सुरेंद्र गिल के हिसाब का परफॉर्मेंस का आपको पता है, श्रीकांत यादव का थोड़ा फॉर्म लड़खड़ाया है, लेकिन देखा जाए तो रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड डिफेंस में आपको नितेश एंड सुमित देखने को मिल जाएंगे एंड शुभम एंड आशु भी काफी अच्छे फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टार्टिंग 7 बहुत हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। बात की जाए परफॉर्मेंस की तो गाइस यहां पे लास्ट के 5 मैचेस में यूपी योद्धा को 4 जीत मिली है एंड सिर्फ 1 हार मिली है वो भी गुजरात जायंट्स के खिलाफ। तो देखा जाए तो यूपी योद्धा की टीम अभी काफी अच्छे फॉर्म में। अब लीग स्टेजेस के फॉर्म यहां पे मैटर नहीं करते बिकॉज ये डू ऑर डाई मैच है, जो अच्छा परफॉर्म करेगी वो यहां पे आगे बढ़ेगी, जो टीम मैच हारेगी वो यहां पे प्रो कबड्डी से बाहर हो जाएगी। तो देखा जाए तो गाइस यहां पे रीडिंग डिपार्टमेंट में कोई इशू निकल के नहीं आ रहा है, बस जो इशू है वो यहां पे श्रीकांत यादव लेके, श्रीकांत यादव से ऐसा उम्मीद नहीं कहते लेकिन यहाँ पे श्रीकांत यादव का फॉर्म थोड़ा यहाँ पे कम हुआ है, किसी भी मैच में उस हिसाब का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। तो होप ये करते हैं कि इस क्रुशियल मैच में श्रीकांत यादव अच्छा परफॉर्म करे एंड वहीं पे प्रदीप नरवाल का फॉर्म वापस आ चुका है एंड सुरेंद्र गिल तो अच्छा खेल ही रहे एंड वही दोस्तों बात की जाए डिफेंस की तो गाइस यहां पे डिफेंस एवरेज परफॉर्मेंस दिखाया जहां पे कभी नितेश अच्छा चलते कभी सुमित अच्छा चलते, तो यहां पे कॉर्नर्स पे ज्यादा इशू निकल के नहीं आएगा, सुमित को चलना होगा एंड नितेश कुमार को भी चलना होगा बिकॉज यही दो मेन डिफेंडर्स है, अगर ये चलते तो डिफेंस एंड पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड वहीं पे कवर्स पे भी नजर रहने वाली जहां पे राइट कवर पे आशु सिंह एंड लेफ्ट कवर पे शुभम कुमार होने वाले बिकॉज यहां पे
असलम इनामदार ज्यादातर राइट साइड टारगेट करेंगे, यानी कि आशू सिंह पे टारगेट करेंगे। एंड वहीं पे नितिन तोमर ज्यादा रेड नहीं करने वाले, लेकिन मोहित गोयत को क्या कवर रोक पाएगी कि नहीं वो तो हमें आज के मैच में पता चलेगा। अब यहाँ पे मैंने बात की टारगेट की, दुकान से यहाँ पे आप बढ़ते अपने अगले राउंड यानी कि कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर, यानी कि कौन से प्लेयर्स के बीच में हमें बैटल देखने को मिल जाएगा, बेस्ट वर्सेस बेस्ट बैटल। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला दो बैटल देखने को मिल सकते हैं। जो पहला बैटल है वो है मोहित गोयत वर्सेस फोर डिफेंडर्स। बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से जो चार ही डिफेंडर्स है उनका बैटल होने वाला है मोहित गोयत को। मोहित गोयत एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, यंगस्टर्स है, पहला सीजन खेल रहे हैं एंड क्या ही परफॉर्मेंस लास्ट के पांच मैचेस में दिखाया है। लास्ट के मैच में जिस हिसाब से पुणे की टीम ने खेला था जिसमें मोहित गोयत का बहुत बड़ा हाथ था, तो यहाँ पे देखा जाए तो मोहित गोयत का बहुत ज्यादा यहाँ पे बैटल देखने को मिल सकता है चारों डिफेंडर्स से। अब जो दूसरा बैटल हमें देखने को मिल सकता है वो है प्रदीप नरवाल वर्सेस सोमवीर के बीच में। अब स्पेशली सोमवीर ही एक प्लेयर टारगेट नहीं करेगी प्रदीप नरवाल, लेकिन जिस हिसाब से आपको जैसे पता है कि प्रदीप नरवाल राइट रेडर है एंड कहीं ना कहीं राइट कॉर्नर पर टारगेट करेंगे, राइट कॉर्नर पर आपको सोमवीर देखने को मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं सोमवीर हो सकते हैं प्रदीप नरवाल वर्सेस सोमवीर, या फिर विशाल भारद्वाज पर ज्यादा कमी टारगेट होने वाले, लेकिन ज्यादातर प्रदीप नरवाल राइट साइड टारगेट करेंगे। तो ये दो बैटल मैंने आपको बता दिया जो देखने को मिल सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप कौन से बैटल रेडर्स वर्सेस डिफेंडर्स के बीच में देखने को मिल सकता है, आप भी अपने लिस्ट कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब दोस्तों आप बढ़ते अपने प्रेडिक्शन राउंड की तरफ। यहाँ मैं तीन प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। अब फटाफट यहाँ पे मैं अपने प्रेडिक्शन आपको बता दे। सबसे पहला प्रेडिक्शन ये है कि प्रदीप सबसे ज्यादा रेड पॉइंट स्कोर करेंगे, वो भी सिर्फ यूपी योद्धा की टीम की तरफ से, यानी कि यूपी योद्धा की टीम की तरफ से जो तीनों रेडर्स है सबसे ज्यादा रेड पॉइंट यहाँ पे प्रदीप नरवाल इस मैच में स्कोर करने वाला है। ये मेरा पहला प्रेडिक्शन रहने वाला है। एंड जो दूसरा प्रेडिक्शन ये है कि टोटल मैच में जितने भी पॉइंट स्कोर हो गए टोटल कंबाइन कर ले जाए तो वो यहाँ पे 70 से ज्यादा होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि जो मैच है वो यहाँ पे स्लो नहीं होगा, मतलब कि हर रेड में हर दो तीन रेड में एक एक पॉइंट आते रहेंगे, तो ये मैच हमें बहुत ही क्लोज एंड ब्लॉकबस्टर देखने को मिल सकता है। ये मेरा दूसरा प्रेडिक्शन, यानी कि 70 से ज्यादा पॉइंट यहाँ पे स्कोर होने वाले है। एंड जो तीसरा प्रेडिक्शन ये है कि यूपी और पुणे की टीम में से कोई दो डिफेंडर्स यहाँ पे हाई फाई स्कोर करेंगे, यानी कि यूपी की टीम के दो डिफेंडर या फिर पुणे की टीम की तरफ से दो डिफेंडर हाई फाई स्कोर कर सकते हैं, ये कोई एक टीम यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो गाइस ये मेरे तीन प्रेडिक्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी टीम जीतेगी ये तो प्रेडिक्ट कर दो, तो यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट नहीं करने वाला कि कौन सी टीम है मैच जीत सकती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फैंस होंगे जो यहाँ पे पुणे को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे फैंस होंगे जो यहाँ पे यूपी योद्धा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं नहीं आप डिसाइड करोगे। फिर से फैंस वो यहाँ पे वापस आ चुका है जहाँ पे आपको प्रेडिक्ट करना है एंड देखते हैं किसका पलड़ा भारी रहने वाला। अब आपको कहाँ पे वोट देना है, सीधा से आपको चैनल पे जाना है या फिर आप सब्सक्रिप्शन फीड पे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया जहाँ पे आप सभी से मैंने पूछा है कि कौन सी टीम यह मैच जीत सकती है, एलिमिनेटर एक कौन सी टीम जीतेगी, तो फटाफट जाके वोट दीजिए। तो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जोर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।